वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जब से अनलॉक फेज लागू हुआ है, तब से अक्षय कुमार एक के बाद एक अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने में जुटे हुए हैं। अब अक्षय अपनी आगामी कॉमेडी ड्रामा बच्चन पांडे की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म से उनके कई धमाकेदार लुक्स भी सामने आ चुके हैं। बच्चन पांडे की शूटिंग जैसलमेर में जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। मेकर्स फिल्म को 2022 के गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जहां अक्षय की हर फिल्म की फटाफट खबरें आ रही हैं, लेकिन मेगा बजट फिल्म सूर्यवंशी को इसके मेकर्स बिना 100% क्षमता के रिलीज करने से हिचकिचा रहे हैं, और इसके चलते इस फिल्म को लेकर वितर्कों के बीच रोज एक नई चर्चा चल रही है। फिल्म के निर्माता नियमित तौर पर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को लेकर चर्चा तो कर, लेकिन मामला घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि देश के सबसे बड़े फिल्म वितरण क्षेत्र मुंबई में अगर थिएटर 100% क्षमता के साथ नहीं खुलते हैं तो फिल्म अपनी पूरी ताकत से कमाई कर नहीं पाएगी। हालांकि दूसरा पक्ष इसका ये भी कि अगर फिल्म जानदार और अभिनेता की ब्रांड वैल्यू धमाकेदार हो तो विजय जैसे अभिनेता मास्टर को 50% क्षमता के साथ रिलीज करके भी कमाई के रिकॉर्ड बना रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार वैसे तो अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन थिएटर खुलने के फैसले के बाद वो अपनी डेट्स में हेर फेर कर सूर्यवंशी के धमाकेदार प्रमोशन की तैयारी में जुटने वाले हैं, जिसमें उनका साथ देंगे सिंघम अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह। ये दोनों फिल्म में भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। अजय, अक्षय और रणवीर ये तीनों मिलकर बनाएंगे अगली बड़ी कॉप यूनिवर्स। बता दें कि फिल्म सूर्यवंशी पहले 24 मार्च को रिलीज होनी थी और अब लगभग एक साल बाद पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन फिल्म के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि फिल्म के पुराने होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये खुद एक खास टाइमलाइन पर सेट की गई थी। सुबह से रात तक के शो जब 2020 में फिल्म रिलीज होनी थी, तो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मुंबई की ऐसी पहली फिल्म होती जिसके शो सुबह से लेकर देर रात तक चलते। अब देखना है कि कोरोना के बाद इस फैसले पर कितना असर पड़ता है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।